हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पीपीएस नॉलेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और गंगा में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, अक्सर लोगों के मन में आता है गंगोत्री से निकलता है, लेकिन परंतु वास्तविक कुछ और है। गंगा नदी का उद्गम स्थल ना तो गंगोत्री है, ना ही गंगा गौमुख से निकलती है। गंगा नदी कई नदियों से मिलकर बनती है। इसको इस वीडियो में हम जानेंगे कहाँ से निकलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंचप्रयाग कहाँ आएगा? देश के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिस्से में बड़े बड़े हिमानी या ग्लेशियर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में ही बद्रीनाथ के संतोपथ नामक स्थान से दो नदियां निकलती हैं, एक तरफ से धौली गंगा और दूसरी तरफ से विष्णु गंगा। यह दोनों नदियां जिस स्थान पर मिलती हैं उसने विष्णु प्रयाग कहते हैं। प्रयाग का मतलब जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती हैं। इस स्थान पर इन दोनों नदियों की गहराई बराबर हो जाती है, इस कारण विष्णु प्रयाग के बाद यह नदी अलकनंदा नाम से जानी जाती है। और जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है, उस स्थान को नंद प्रयाग कहते हैं। इसके बाद नदी और आगे बढ़ती है तो इसमें पिंडर नदी मिलती है, उस स्थान को कर्ण प्रयाग कहते हैं। अब केदारनाथ से एक नदी मिलती है जिसका नाम मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी आकर जाकर अलकनंदा में मिल जाती है और जहाँ मिलती है उस स्थान को रुद्रप्रयाग कहते हैं। इस रूट में अलकनंदा बहुत गहरी होती है, इस कारण इसका नाम नहीं बदला। अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री स्थान गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। उत्तराखंड के लोग मुख्य रूप से इसे ही गंगा मानते हैं। अब भागीरथी नदी आके जाकर अलकनंदा में मिलती है, जिस स्थान पर मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। यहाँ पर दोनों की गहराई बराबर हो जाती है, इस कारण इस नदी का नाम बदलकर गंगा हो जाता है। देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी के नाम से बहती है। इस तरह उत्तराखंड की कई नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी पर स्थित कुल पांच प्रयाग स्थित हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देवप्रयाग। इन पाँचों क्रियाओं को पंचप्रयाग भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये पंचप्रयाग घूमना बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा नदी में उत्तर की ओर से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों के नाम निम्न हैं। यमुना नाम गंगा करनाल ली जिसे घाघरा भी कहा जाता है, तपती गंडक, कोसी और काछी है। गंगा नदी में दक्षिण के पठार से आकर मिलने वाली नदियों में चंबल, सोन, बेतवा, दक्षिणी टोंस, केन इत्यादि हैं। यमुना नदी सबसे प्रमुख सहायक नदी है जो कि हिमालय से बंदर पूंछ चोटी के आधार पर से यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है। हिमालय के ऊपरी इलाके में इसके अंदर टोंस और लघु हिमालय में आने पर इसके अंदर आसन और गिरी नदियाँ मिलती हैं। यमुना की सहायक नदियाँ शारदा, चंबल, केन, बेतवा यमुना की सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी यमुना नदी में इटावा के पास तथा बेतवा हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। यमुना नदी गंगा में इलाहाबाद के निकट बाई ओर से मिलती है। राम गंगा मुख्य हिमालय के दक्षिण क्षेत्र के नैनीताल के पास से निकलकर बिजनौर से प्रवाहित होती हुई कन्नौज के पास से गंगा नदी में मिलती है। तो ये हुआ इस प्रकार से कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। अब जानते हैं कि गंगा नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। गंगा नदी हिमालय से होते हुए जब निकलती है तो उसके स्थान जब वह रास्ते में जड़ी बूटियों के साथ लेते हुए बहती है, जड़ी बूटी का प्रभाव इतना तेज और प्रभावशाली होता है जिसकी वजह से गंगा नदी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। क्योंकि वैदिक ग्रंथों में भी बताया गया है कि जड़ी बूटियाँ इतनी प्रभावशाली हैं कि गंगा नदी को यह वरदान प्राप्त है कि उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो यह हुआ शास्त्रों, वेदों और मान्यताओं के अनुसार। यदि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।